हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम्बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी एंड अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लेटेस्ट एक रिक्रूटमेंट आई है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी जो टेलीग्राम में भी मुझे आई हैं, मैंने वहाँ पे भी सभी को आंसर किया। एंड कुछ वही सारे जो इश्यूज हैं या फिर जो हमारे माइंड में क्वेश्चन रहते हैं किसी भी एग्जाम को रिलेटेड, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और एक फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें ठीक है, क्या इस एग्जाम को अप्लाई करें या ना करें। तो यहीं पे मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि इस एग्ज़ाम को आपको नहीं अपीयर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। और क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो मैक्सिमम एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो है IBPS AFO, और ये वाला पेपर पूरा अलाइन है IBPS AFO के साथ, केवल एक जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हर किसी को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर ये एग्जामिनेशन IBPS AFO से पहले भी हो जाता है तो आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल पता चल जाएगी कि AFO के लिए आप कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, AFO या फिर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा सैलरी बेसिस पे। डेफिनेटली IBPS AFO की सैलरी ज़्यादा होगी, बट क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे हम कहते हैं ना कि सरकारी, ये पूरी तरह से वैसे सरकारी नहीं होती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, इसलिए ये सरकारी है। मतलब सीधी सी बात है, कल के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मन करेगा तो वो प्राइवेटाइज भी कर देंगे, हालांकि ये सारी चीज़ें अभी नहीं है इससे रिलेटेड। तो ये प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी सिमिलर पोजीशंस के लिए, हालांकि उसमें एक दो पोजीशंस और थी जिसमें कि BSc AG स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे, वो आई थी 2020 में, दिसंबर 2020 में उसका नोटिफिकेशन आया था, और वो रिक्रूटमेंट को मार्च में कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिलेशन नोटिस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट एंड एडवर्टाइज्ड ऑन 8th of December 2020। तो इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी वो कैंसिल हो गई थी, अभी उसके बाद ये रिक्रूटमेंट आई है। सो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये कैंसिल नहीं होगी, और डेफिनेटली क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट भी है मैक्सिमम लोगों को नौकरी देनी है और मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जो कमियाँ हैं उनको दूर करनी है, तो डेफिनेटली आई होप कि इस बार ये रिक्रूटमेंट पूरी होगी। अब रिक्रूटमेंट के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मिनिस्ट्री के अंदर कोई ज्वाइनिंग होने वाली है। मिनिस्ट्री के अंदर भी हो सकती है, डिपार्टमेंट में भी हो सकती है, बट आप ये देखिए ये बहुत जूनियर लेवल पे है, तो जूनियर लेवल पे आपको बेसिक से ही काम करना पड़ेगा और वो उसकी कंडीशन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके बारे में है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग द नेसेसरी मार्केटिंग सपोर्ट टू द कॉटन ग्रोवर्स। तो कॉटन ग्रोवर्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चाहे प्रोक्योरमेंट का है, प्राइसिंग का है, प्रोडक्शन का है, एक्सपोर्ट का है, इम्पोर्ट का है, कैसा भी है, वो सारा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये PSU है, याद रखिएगा। मतलब जैसे FSSAI का आया था तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की जॉब है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। यहाँ पे जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, तो ये जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर ही चलेगा क्योंकि फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यही मेंशन किया है, इसके अलावा ना तो कोई दूसरी डिग्री दी है ना ही इक्विवेलेंट दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट क्वेरी लगती है तो आप मेल कर सकते हैं CCI को। 81 वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर लास्ट टाइम देखें तो एक बार लास्ट ईयर आया था वो नोटिफिकेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र AFO का, AFO से पहले ही, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए हो सकती है। स्केल ऑफ पे मैं आपको बता दूँ, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव जो IDA का है 22,000 से 90,000 तक, तो ये अराउंड 45,000 टू 50,000 या फिर 40 से 50,000 के बीच में वेरी करती है इन हैंड। उसके अलावा जो अलाउंसेज हैं वो बाकी सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंट रहती है। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग जिसमें कि एग्री बिजनेस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वो 30,000 से 1,20,000 के बीच में उसकी सैलरी है। तो सैलरी वाइज तो ठीक है, एक चीज़ इसमें जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत होती है और इसकी वजह से एग्जामिनेशन कई बार स्टूडेंट्स नहीं दे पाते हैं, और अगर अभी भी आप फिल करेंगे तो देखिएगा कई सारे स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे, कुछ ना कुछ कंडीशन हो जाती है एग्जामिनेशन सिटीज़ की। IBPS की तरह ये हर जगह नहीं होने वाला है, स्पेसिफिक 11 सिटीज़ हम देखेंगे, मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर, हर स्टेट में भी नहीं है।
तो ये एक थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं फैक्टर, बट आई आई डोंट थिंक कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा किसी के भी सोचने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एज क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ 24th of July की डेट में होनी चाहिए, क्योंकि शुड बी एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कल आ चुका था, तो उस डेट में आपका सारी चीज़ें ये होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। देन चेंज इन जॉब प्रोफाइल एंड पोस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्टिंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आए थे कि सर जॉब कैसी होगी और कैसा इसमें पोस्टिंग मिलने वाली है। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन डिफरेंट कॉटन ग्रोइंग एरिया अक्रॉस इंडिया। इन केस ऑफ जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, पोस्टिंग्स विल बी इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। पहले ही लिख दिया है रूरल एंड रिमोट एरियाज, तो इससे परहेज आपको नहीं होना चाहिए। और ये क्लियर है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में बैठाया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के केस में कि पोस्टिंग रूरल और रिमोट एरिया में ही होने वाली है। कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ऑफिस इन इंडिया। द मैनेजमेंट ऑल्सो रिजर्व द राइट टू चेंज द जॉब प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट एट इट्स डिस्क्रिशन एट एनी टाइम। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिस्क्रिप्शन पे रहती है। तो ये सारी चीज़ें इसके रिलेटेड थी। अब हम आ जाते हैं पेपर पैटर्न पे। लास्ट है कि आपको प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है, तो कोई रीज़न नहीं है कि ना प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे रीज़न है आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए। और क्योंकि जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि उनकी भी डिग्रीज या उनकी जो मार्कशीट है वो इससे पहले आ चुकी होगी, तो आप सभी इसमें एलिजिबल हैं। IBPS की तरह भी पूरे 6-7 महीने का वेट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, जनरल इंग्लिश, आर्टिकल्स, प्रिपोजिशन, वोकेबलरी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, जंबल सेंटेंस एक्सेट्रा, यही आप IBPS AFO के लिए पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। रीजनिंग में देखिए, सिलॉग्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन डिस्टेंसेस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, DI, कोडिंग डिकोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज, पजल्स, पैटर्न कंप्लीशन एक्सेट्रा, तो ये रीजनिंग का है। रीजनिंग में भी सारी चीजें, सीटिंग अरेंजमेंट मेंशन नहीं है, बट पजल्स वगैरह मेंशन है। क्वांट्स में आप देखेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंसेस, अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज, ये केवल डिफरेंट है, बट इसमें भी आप देखेंगे बहुत डिफिकल्ट नहीं होगी, आई होप। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड एंड इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हालांकि इसमें सारी ही चीज़ें कवर हो जाती है, छूटता कुछ भी नहीं है। तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के साथ, हिस्ट्री तो नहीं है, ज्योग्राफी एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी है। ज्योग्राफी क्योंकि उसी से रिलेटेड, कॉटन ग्रोइंग से रिलेटेड है, तो ये वाले क्वेश्चन वहाँ पर रहेंगे। उसके साथ साथ जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, जिसका सिलेबस भी दिया है, उसके 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। और सिलेबस बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक सिलेबस है। अच्छी बात यही है कि सिलेबस दिया हुआ है, AFO में सिलेबस ही नहीं दिया होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप कि आप सभी को इसको फिल करना चाहिए और आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल भी पता चलेगा। देखने से नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, डेफिनेटली अगर डिफिकल्ट नहीं आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब कोर्स इसके लिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन की गाइडेंस के रिगार्डिंग था, तो जितने भी हमारे ऑलरेडी IBPS AFO एनरोल्ड यूजर्स हैं, जैसे कि हम बाकी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो भी आते हैं हम अपने AFO कोर्स के साथ ऐड करते हैं, तो ये भी हमने अभी अपने AFO कोर्स के साथ ऐड कर दिया है। आप देखेंगे जो हमारा IBPS AFO का ऑनलाइन कोर्स है, उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट, इसके साथ साथ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिख जाएगा। इसके अलावा भी बाकी वहाँ पे एग्जाम्स जो भी ऑनगोइंग रहते हैं वो हम ऐड कर देते हैं, इसके लिए कोई अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर सेम है, तो अलग से कुछ लेने का मतलब भी नहीं बनता। केवल जनरल अवेयरनेस एक डिफरेंट है, वो आपको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको GA दिख जाएगा और यहाँ पे मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, जो कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इसके पेपर से रिलेटेड होंगे। और इसके अलावा कोई भी ऐसा मटेरियल हमें लगेगा कि जो IBPS AFO कोर्स में नहीं है, इसके लिए होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जितने भी एनरोल यूजर्स हैं आप देख सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं तो वो आप IBPS AFO के कोर्स को ही एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म, मतलब आप देखेंगे हमारे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, क्वांट, सीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर ही आता है। और मैं वैसे भी कहता हूँ कि अगर किसी को ऐसा कोई एग्जामिनेशन चाहिए कि जिससे कि सारे एग्जामिनेशन कवर हो जाएं, तो वो NABARD का एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि उसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। खैर, वो आपके अपना डिस्क्रिप्शन है कि आपको कैसे क्या का प्रिपेयर करना है। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट इसके लिए आज ही लाइव हो जाएंगे बाय द इवनिंग, तो वो भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, उसको भी देख सकते हैं। हमने आज पूरे दिन भर बैठ के वो मॉक टेस्ट बनाए हैं, स्पेशल मॉक टेस्ट है,
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, आप उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको बेसिक आइडिया आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो, उसमें भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, उसमें आप कुछ भी, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप वो कोर्स से रिलेटेड चाहे कैसी भी, आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं, पर्सनल मैसेज DM कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो आई एग्जाम भी के साथ बने रहें, टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू एवरीवन।